बिहार इस वक्त डबल मुसीबत से जूझ रहा है, एक तो बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ कोरोना की मार, ऊपर से प्रशासन की नाकामी। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई। एक महीने पहले ही 70 घाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था और 264 करोड़ की लागत एक बारिश के पानी में बह गई। लोगों का कहना है कि एक महीने पहले ही इस पुल का उद्घाटन हुआ था, पानी के ज्यादा दबाव की वजह से पुल टूट गया, लोगों के आने जाने का रास्ता खत्म हो गया। ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। दरअसल गोपालगंज में बुधवार को 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। गंडक के इतने बड़े जलस्तर के दबाव से इस महासेतु का अप्रोच रोड टूट गया, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 8 साल में 263 करोड़ और 47 लाख की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है, इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। आपको बता दें कि इस सेतु का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। साल 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था और 16 जून 2020 को इस महासेतु का उद्घाटन किया गया था। न्यूज़ डेस्क।